दोस्तों आपकी मसल्स तब तक नहीं ग्रो होने वाली है, आपकी बॉडी तब तक नहीं बनने वाली है जब तक आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे। क्योंकि गलतियां सभी करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं उनकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाती है, बॉडी नहीं बन पाती है। और इसीलिए आज का ये वीडियो बन रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको अपना के आप अपनी जल्द से जल्द बॉडी बना पाओगे, मसल्स ग्रोथ को बढ़ा पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहली अपनी टिप पे आते हैं। देखिए आप सभी को मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपनी मसल्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिवेशन टेक्निक, मसल्स प्री एक्टिवेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या करना होता है, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, मान लीजिए किसी दिन हमने चेस्ट का वर्कआउट किया और नेक्स्ट डे हमें बाइसेप का वर्कआउट करना है या ट्राइसेप का करना है या किसी भी मसल्स का वर्कआउट करना है, तो चेस्ट वाले दिन जिस दिन आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, उस दिन जब आप लोग वर्कआउट खत्म करने वाले हो तो अगले दिन जो आप लोगों को वर्कआउट करना है, जैसे बाइसेप का वर्कआउट अगले दिन करना है, तो आप लोग चेस्ट वर्कआउट के खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट 1 से 2 सेट बाइसेप मसल्स का वर्कआउट कर लो। उसके बाद अगले दिन जब आप लोग उसका प्रॉपर वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल्स एक्टिवेशन जल्दी होगा, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इसे इस्तेमाल करके अपनी मसल्स ग्रोथ को बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं, जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम सभी लोग वर्कआउट करने के बाद में जब घर जाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग वर्कआउट करो, चाहे होम वर्कआउट कर रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट खत्म करने के बाद में अगर आप लोग कोल्ड बाथ यानी ठंडे पानी से नहाते हो तो ये करता क्या है, ये आपकी मसल्स को बहुत तेजी से रिपेयर करने लगता है। आप सभी को पता है वर्कआउट करते समय मसल्स हमारी ब्रेक होती हैं, और उन मसल्स को जब हम रिपेयर करते हैं, जब बॉडी रिपेयर करती है तभी वो मसल्स ग्रो होती हैं और वो बड़ी बन पाती हैं। तो मसल्स रिपेयरिंग की प्रोसेस बढ़ाना जरूरी है। तो जैसे ही वर्कआउट खत्म करो उसके बाद अगर आप लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा लोगे तो आप लोग की मसल्स रिपेयरिंग काफी तेजी से होगी, जिससे बॉडी बनने में आसानी होगी आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है, रात में जब आप लोग सोने जा रहे हो तो सोने से पहले लाइट बंद करके अंधेरे में आप लोगों को फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप लोग सोचोगे कि भाई फोन इस्तेमाल करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी नहीं बनेगी। आप सभी को मैं एक बात बता दूं, हमारे फोन में एक लाइट होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लू लाइट, और ये ब्लू लाइट करती क्या है, जब डायरेक्ट ये अंधेरे में हमारी आंखों पे पड़ती है तो ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देती है, और जब कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसलिए कभी भी रात में सोने से पहले आप लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी इस्तेमाल करना है लाइट जला के कर लो, लेकिन लाइट बंद होने के बाद में आप लोगों को केवल सोना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखोगे कि आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो तेजी से बूस्ट होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि जैसे ही आपने इस तरीके से करके आप लोग जब सुबह सोगे उठोगे आपको अपनी बॉडी में एनर्जी फील होगी, लेकिन रात में फोन चलाओगे तो सुबह आप लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई सी लगेगी। इसका यही रीजन है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है और आपकी मसल्स ग्रोथ इस तरीके से रुक सकती है। तो इस बात का ध्यान रखो, रात में फोन नहीं चलाना है, आपकी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं, जब भी बात होती है मसल्स ग्रोथ की या ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ की बात होती है तो एक चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो अगर वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में तो बॉडी नहीं बन पाएगी। तो सही से किसी भी चीज को एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। एक होते हैं बैड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए खराब होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारे पेट में होते हैं और हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो गुड बैक्टीरिया बॉडी में होगा तो खाना सही से पचेगा और मसल्स ग्रोथ भी तेजी से होगी। तो गुड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ाने के लिए आप लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाते समय दही खाओगे तो उसमें प्रोबायोटिक्स होता है जो
जो आपके खाने को पचाने में मदद करता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। उसी के साथ में अपनी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ाने के लिए आप लोग वाव लाइफ साइंस का प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 14 तरह के गुड बैक्टीरिया का ब्लेंड मिलता है जो कि हमारे खाए हुए खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। इसमें आप लोग को 20 मिलियन से भी ज्यादा CFUs प्रोबायोटिक ब्लेंड मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी बॉडी को, आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वाव लाइफ साइंस का प्रोबायोटिक्स, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके आप लोग रोज 1 से 2 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप लोग खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय आप लोग इसके 1 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप लोग दिन में 2 बार इसके 1-1 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है, उसी के साथ में इसमें कोई भी सोए प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ है, एंड ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वाव लाइफ साइंस के प्रोबायोटिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। एंड दिस इज हाउ आई बीवाओ नेचुरली, व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई टू। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप सभी लोग क्या करते हो, एक दिन में 1 मसल्स को ट्रेन करते हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मसल्स ग्रोथ की बात आती है तो मसल्स पे जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं पड़ेगा, मसल्स ब्रेक नहीं होगी, और जब मसल्स ब्रेक नहीं होगी तो बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी आप लोगों को 1 मसल्स को हफ्ते में 1 बार ट्रेन नहीं करना चाहिए। 1 मसल्स को हफ्ते में कम से कम 2 बार आप लोगों को ट्रेन करना चाहिए, तभी आप लोगों की मसल्स ग्रोथ तेजी से होती है। जब मसल ज्यादा ब्रेक होगी, हफ्ते में 1 ही बॉडी पार्ट का हम 2 बार वर्कआउट करेंगे तो मसल ज्यादा ब्रेक होगी, और जब हम हाई प्रोटीन का फूड लेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो उसी हिसाब से मसल्स रिपेयर होगी और वो ज्यादा बड़ी से बड़ी बन पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, हफ्ते में 1 मसल पार्ट को 2 बार कम से कम ट्रेन करना है। कौन से दिन कौन सी बॉडी का वर्कआउट करना है, अगर आप लोग हफ्ते में 1 मसल्स को 2 बार ट्रेन करना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो देखो स्क्रीन में जो आप लोग को लेफ्ट साइड में वीडियो दिख रहा है, उस वीडियो में बताया गया है पूरा वर्कआउट रूटीन। और अगर आप लोग अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हो तो राइट में जो आप लोग को वीडियो दिख रहा है, इसमें बताया गया कि कैसे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। और नीचे जो आप लोग को वीडियो दिख रहा है, इसमें आप लोग को चेस्ट वर्कआउट के बारे में बताया गया है, जिसको देख के आप अपनी चेस्ट मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी वीडियो पर क्लिक करके यहीं से वीडियो को देख लीजिए।